तो वो तो मामला अंदरूनी ही है, एक लोगों की राय थी, इसलिए तो हम अलग हो गए। अब इसको बाबा समझ गए। सवाल है, चिराग पासवान भाजपा के लिए प्रचार करने जा रहे हैं जो बाइपोल होने जा रहे हैं, उनकी सर वापसी हो रही है क्या? वो तो है ही है, वो तो ठीक ही कर रहा, सही है। वो आपको मालूम नहीं है, वो हम लोगों के खिलाफ भी जो कैंडिडेट खड़ा किया गया तो कौन खड़ा करवाया? तो सब तो जान ही रहे लोग, तो ठीक ही है, वो तो बहुत ठीक है, ये सब तो ठीक ही जगह पर चला जा रहा है, एकदम जा रहा है। तो लगता है कि बीजेपी को बहाना मिल गया आपसे अलग होने के बाद, आपसे अलग होने के बाद क्या बीजेपी को बहाना मिल गया चिराग पासवान? बीजेपी को किसको बहाना मिला? बीजेपी वो तो था ही सब। अब आपको मालूम नहीं है उसके पिताजी का कितना हमने किया था, सम्मान ही नहीं दिया था उनका, हमने समर्थन किया था, शुरुआती दौर की बात है, अभी सब तो बच्चा न जी। हवा तो दूसरा वहाँ जाके दिल्ली में लगी है, तो जब वहाँ रहते थे वहाँ जाते नहीं रहते थे, हमारा रिश्ता बहुत पुराना रहा है उनको, तो नहीं रहे, ये दुखद है। अब लड़का बच्चा जो भी बोल रहा है, अब फिर सब साथी आया था तो घूमता ही रहता था, लेकिन अचानक जो देखा इस बार जो बिहार का चुनाव होना था तो उसी में हम देखे, तो मामला अंदरूनी ही है, तो ये सब हमारे पार्टी के लोगों की धीरे धीरे एक एक लोगों की राय थी, इसलिए तो हम अलग हो गए। अब छोड़ न दीजिए, 17 में गलती कर दिया तब फिर हम लोग उसको छोड़ करके फिर आ गए वापिस अपना जगह पर, अब इसलिए कुछ नहीं, अब इसको बाबा चला समझ गए। बीजेपी दावा कर रही है को दोनों सीट जीतने जा रहे हैं चुनाव में, दोनों सीट आप जा रहे हैं चुनाव प्रचार, दो दिन बचा। जनता मालिक है, हम इस सब पर कुछ नहीं कहते हैं, मालिक है जनता, लेकिन जो हम लोगों को वहाँ के लोगों ने बताया है तो उसमें बिल्कुल ही राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं आरजेडी के, दोनों जगह पर जीतने जा रहे हैं, ये सब सारी बात है। हमारी भी बात होती रहती है, देखिए हमारा तो थोड़ा सा ये खराब हो गया, इसके चलते हम वहाँ प्रचार में नहीं जा पाए, लेकिन ऐसे भी हमारी बातचीत तो होती रहती है, इसलिए उस सब में कोई चिंता मत करिए। सर बीजेपी सर रीट दाखिल करने जा रही है गोपालगंज के प्रत्याशी के खिलाफ, कह रही है कि उन पर आपराधिक जो मामला उन्होंने छुपाया है, रीट दाखिल करने जा रही है। अभी सब कोई मतलब है इसका क्या डेट होता है क्या होता है उसके बारे में कोई, ये सब चीज का है, ये सब चीज का तो अपना जो कर रहा है कोई को कर रहा है। आज आपको मालूम नहीं है कितने लोगों पर कितना कंप्लेंट हो जाता है, तो सब तो अलग चीज है, उससे कोई मतलब नहीं। एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए बीजेपी, क्योंकि आपसे अलग होने के बाद ये पहला मौका है चुनाव का। अरे वो तो एक अलग है, ये सब तो बाई इलेक्शन है, इसमें तो जो कुछ भी होना उनको तो हम लोग अलग हो गए हैं और कोई मतलब नहीं। अब आप देख रहे हैं कि आजकल कितना बोलते रहते हैं हम लोग पर, कैसा कैसा बात बोलते रहते हैं, तब देख ही ना रहे हैं कि उनकी हालत खराब हो चुकी है। चलिए।